दिनांक 1 मार्च 2019 को हंदवाड़ा पुलिस द्वारा गांव बाबागुंड हंदवाड़ा में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने के बारे में एक विशेष आसूचना प्राप्त हुई थी। सेना तथा सीआरपीएफ ने साथ मिलकर सैनिक कार्रवाई शुरू की। इस गांव की भौगोलिक स्थिति बहुत कठिन थी और लक्षित मकान तक पहुंचना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। एसजीसीटी मुस्तफा बर्रा और एसजीसीटी नासिर अहमद कोहली ने कुछ सदस्यों वाले एक छोटे समूह का नेतृत्व करके गंभीर खतरे का सामना किए जाने वाली इस चुनौती को बहादुरी से स्वीकार किया। मुख्य दल द्वारा इस क्षेत्र को चारों ओर से घेर सकने तक एसजीसीटी मुस्तफा बर्रा एवं एसजीसीटी नासिर अहमद कोहली के नेतृत्व वाली छोटी टीम को आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी का सामना करना पड़ा। गोलीबारी के दौरान सीआरपीएफ के 3 जवानों सहित इन दोनों बहादुर पुलिस कर्मियों को गोलियां लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में घायल होने से 5 की मृत्यु हो गई, परंतु ये सुनिश्चित हो गया कि मुख्य दल के आने तक आतंकी भाग नहीं सके। बाद में मुख्य दल द्वारा सुनिश्चित मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार दिया गया। उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इस प्रकार एसजीसीटी मुस्तफा बर्रा और एसजीसीटी नासिर अहमद कोहली ने एक छोटी सी टुकड़ी को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने और आतंकवादियों को फायर करने में उलझा कर रखने में अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री गुलाम मुस्तफा बर्रा की पत्नी श्रीमती मरियम बेगम। स्वर्गीय श्री नासिर अहमद कोहली की पत्नी श्रीमती शहनाज बेगम।